अनशाइम ऑडिबल। अगर यस अनशा भी थोड़ी देर बाद ज्वाइन करो, आज थोड़ा टैक्स की क्लासेस लंबी होगी। आप एक काम करो, 10:45 बजे ज्वाइन करो, आधे घंटे बाद। ठीक है कंचा, ओके सर। काम बनारस ही हो अभी आप? हाँ सर। चलो चलो, यहाँ पे जो देखो, इमोबल प्रॉपर्टी रिसीव डेट क्या, लो कंसिडरेशन। देखो 1 अप्रैल 2001 को कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कितना है मेरे पास, 10 लाख है। 31 जुलाई 2020 ट्रांसफर टू डीजे। एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है, 40। कितने में ट्रांसफर किया हमने, 50। बताना विदाउट कंसिडरेशन है कि विद कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन एंड एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब बता दो, दोनों के यहाँ पे टैक्सेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। एक के यहाँ पे कैपिटल गेन, दूसरे के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 56,210 में आ जाएगा। क्लियर? हाँ, बशर्ते ईजे एंड डीजे में रिलेटिव रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। आगे, डीजे सोल्ड सच प्रॉपर्टी कितने में, 50 लाख। एसडीबी वैल्यू कितनी है, 60 लाख। शो द इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ बोथ पर्सन। आराम से करो। देखो ईजे, पहले ईजे को निकालते हैं। ईजे कब ट्रांसफर किया इसने, 31 जुलाई 2022 को। अब यहाँ पे सोचो, ईजे ने ट्रांसफर किया, क्या ट्रांसफर किया, इमोबाइल प्रॉपर्टी। सेल किया, यस। ट्रांसफर है कि नहीं है, है। कंपुटेशन ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन क्या रहेगा, 48। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 50 लाख। क्यों होगा, क्योंकि 40 लाख है, जो कि 40 लाख का 110% कितना हुआ, 44 लाख। और 44 लाख किससे ज्यादा, किससे कम है, 50 लाख एसडीबी से कम है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एसडीबी। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नील, बताने नेट कंसिडरेशन 50 लाख। इंडेक्सेशन 33,10। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ ईजे कितना हो गया, 16,90,000। कुछ है इसी डेट पे 31 जुलाई को ही इनकम टैक्स डीजे को पकड़ेगा। ए डीजे भाई, क्या ला रहा है प्रॉपर्टी, हाँ कितने में लाया है, 40 लाख में। लेकिन इसकी एसडीबी वैल्यू कितनी है, 50। लो कंसिडरेशन है कि नहीं है, यस लो कंसिडरेशन। लो कंसिडरेशन, अब लो कंसिडरेशन के लिए दो कंडीशन चेक कर लो, क्या चेक करना है, एसडीबी माइनस एसी इज मोर देन 50,000, यस। बताना एसडीबी 50 माइनस 40 मोर देन 50,000। अब दूसरा, एसडीबी इज मोर देन 110% एसी, यस, क्योंकि कितना आ रहा है वो, 44 लाख। 50 लाख, 110% ऑफ 40 लाख, तो बताना आईएफएस आ जाएगा, यस। एसडीबी माइनस एसी कितना आ जाएगा, 10 लाख। यहां तक बताना, समझ में कुछ था इसमें, कुछ था तो नोट करो ना फिर 31 जुलाई की डेट। इतना इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया था, कोई दिक्कत है तो नोट करो। पहले इतने पर तो 100% परफेक्शन ला दो, एग्जाम यहां पे खत्म कर देगा आपको एग्जामिनर। आप भूल जाओगे क्या ये करना, सब कुछ करोगे एग्जाम में ये भूल जाओगे, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है।
हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, बताना डीजे ने इसको क्या कर दिया, बेच दिया। डीजे को कब यह प्रॉपर्टी मिली थी, 31 जुलाई को मिला था, और उसने कब बेच दिया, 31 मार्च 2023 को बेच दिया। चलो भाई बेच दो, तो बताना क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा। 31 मार्च 2022 आ गया, 23 आ गया भाई, बताना क्या आ गया, 23 आ गया। क्या करे, कॉस्ट कैपिटल एसेट्स, यस बेचा है डीजे ने, यस ट्रांसफर है। क्या सेक्शन 48 आ जाएगा, यस। सुबांशु आई ऑडिबल, सुबांशु यस सर, आधे घंटे बाद ज्वाइन करो सुबांशु, कॉस्ट ओके सर, ठीक सेक्शन 48 है। अब बताना यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ गया, 60 लाख। अच्छा कितने में बेचा इसने, 50 में, लेकिन कितना आ गया, 60। क्यों 60 ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि एचडीवी वैल्यू ज्यादा है हमारे पास। यहाँ पे आ जाओ, एक्सपेंसेस नेट कंसिडरेशन। अब मुद्दा यहाँ पे आ रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ होल्डिंग, बताना क्या यहाँ पे हमारा प्रीवियस ओनर का लगेगा कि करेंट ओनर का लगेगा। करेंट ओनर का, क्यों क्यों, क्योंकि सेक्शन 49(4) के अकॉर्डिंग अगर 56(2)(10) में टैक्सेबिलिटी हो गई, तो 56(2)(10) में टैक्सेबल है कि नहीं है, यस, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग 31 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। बताना नेचर ऑफ एसेट्स क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन 55 के अकॉर्डिंग कितना होगा, 40, लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन अकॉर्डिंग टू 49 क्या लेना है, 4, और 49(4) कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन नहीं लेना है, बल्कि क्या लेना है, एसडीबी। अब जब खरीदा था डीजे ने, उस समय एसडीबी कितनी थी बोलो, 50, तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन अंडर सेक्शन 49(4) इज इक्वल टू हाउ मच, 50 लाख। तो बताना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना, 10 लाख। यहां तक क्लियर, इसको नोट कर लो। हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे, आपकी क्वेरी थी, आप नोट कर लो। चलिए हो गया, चलिए हो गया। चलिए बच्चों लोग यहां पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए हो गया सबका, नेक्स्ट आ जाओ। हमने कौन कौन सा केस कर लिया, एक तो ये कर लिया केस वन, और हमारा कौन सा हो गया, केस नंबर टू। केस नंबर थ्री पे आते हैं, अदर प्रॉपर्टी। अदर प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी।
अब बताना, मूवेबल प्रॉपर्टी भी दो होती है, एक कैपिटल एसेट्स होती है, एक नॉन कैपिटल एसेट्स। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट्स। लेकिन अब बताना, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स कौन सा होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सा कैपिटल एसेट्स होता है जिसमें पर्सनल इफेक्ट नहीं होते? कौन से पर्सनल इफेक्ट नहीं होते हैं? ज्वेलरी, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, प्रिंटिंग एंड ड्राइंग्स और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये सारे के सारे हमारे क्या है? मूवेबल है। अगर ये सारे के सारे एसेट्स किसी ने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया, विदाउट कंसिडरेशन दिया है, तो उस केस में क्या होगा? यहां पर देखो, कैपिटल एसेट्स अदर देन, तो इसका मतलब क्या होगा? कैपिटल एसेट्स अदर देन ज्वेलरी, अदर देन पेंटिंग, अदर देन स्कल्पचर्स, अदर देन सिक्योरिटीज, अदर देन ड्राइंग्स, अदर देन आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, अदर देन एनी वर्क ऑफ आर्ट, अदर देन क्या? एनी बुलियन। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई एसेट्स है तो वो क्या हो जाएगा? बोलो, नॉन टैक्सेबल, बिकॉज वो नॉन कैपिटल एसेट्स है। कैपिटल एसेट्स नहीं, कौन सी एसेट्स है? नॉन कैपिटल। मतलब अगर किसी बंदे ने मुझे इन एसेट्स के अलावा कोई एसेट्स दिया, कार दे दिया, पर्सनल कार, ये लो भाई लेके जाओ पर्सनल कार, बताना मूवेबल और इमूवेबल, सॉरी पर्सनल कार, बताना कैपिटल एसेट्स है कि नहीं है? नॉट कैपिटल एसेट्स, तो गिफ्ट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा भाई, गिफ्ट नहीं आएगा। हाँ, कोई बिजनेस एसेट दे दिया तो बताना, बिजनेस एसेट्स, बिजनेस कार दे दिया, कैपिटल एसेट्स है कि नहीं? यस yes. वो अगर दे देता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, बताना? गिफ्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा? यस yes. तो यहां पे कह रहे कैपिटल एसेट्स अदर देन दिस नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल होना ही नहीं है। हाँ, अदर कैपिटल एसेट्स लाइक ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर, सिक्योरिटी, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन, विदाउट कंसिडरेशन, यहां पे एग्रीगेट मेरे को क्या दिया? किसी ने ज्वेलरी दे दिया 20,000 का, चार लोग ने, कितना हो गया टोटल? 80,000 फ्री में दे दिया ज्वेलरी, ये लो 20, 20, 20, 20, चार लोग ने मेरे को गिफ्ट दे दिया फ्री में, टैक्सेबल और नॉट इन द हैंड ऑफ मी? यस। एग्रीगेट अगर 50,000 से ज्यादा है तो सेल भी क्या हो जाएगा हमारा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हुई चीज है? एग्रीगेट, यहां पर प्रॉपर्टी पर आइटम नहीं देखना है, यहां पे एग्रीगेट देखना है। अच्छा, मान के चलो किसी ने 20,000 का ज्वेलरी दे दिया, 40,000 का पेंटिंग दे दिया फ्री में, टैक्सेबल और नॉट? यस, टैक्सेबल। एग्रीगेट देखना है, एग्रीगेट ये सारे के सारे कोई भी आइटम है, एग्रीगेट। नेक्स्ट करें, लो या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये लो कंसिडरेशन का है? मतलब 70,000 की ज्वेलरी थी, मुझे किसी ने केवल कितने में दे दिया? 40,000, या कितने में दे दिया? 10,000 में। इनएडिक्वेट है कि नहीं है? फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 70, और दिया कितने में रखो? 10, तो डिफरेंस कितना हो गया? 60। अगर वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल, जितना भी डिफरेंस है फुली क्या हो जाएगा हमारा? टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तो क्लियर हुई चीज है? तो यहां पे कह रहे हैं, इफ एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसीडरेशन इज मोर देन क्या? 50,000, तो डिफरेंस बिटवीन एफएमवी एंड कंसीडरेशन सेल बी टैक्सेबल। समझ में आ गई चीज है? अब देखो, तीनों चीजें जो जो टैक्सेबल है, वेदर कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी विच हैज बीन सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर सेक्शन 56(2)(10). मतलब वो आपकी कैपिटल एसेट्स जो 56(2)(10) में पहले से एज ए गिफ्ट क्या हो चुका है? टैक्सेबल हो चुका है। उसको ट्रांसफर करने से अगर कैपिटल गेन अराइज हो रहा है तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन लेना है वो एसडीवी लेना है, या फिर क्या लेना है आपको? फेयर मार्केट वैल्यू लेना है। फेयर मार्केट वैल्यू किसके लिए यूज किया है? मूवेबल के लिए। और एसडीवी किसके लिए यूज किया है? इमूवेबल के लिए। समझ में आपकी क्वेरी थी देवी जी, कि सर एसडीवी और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों दिया हो तो? तो फेयर मार्केट वैल्यू हमारा किसके लिए होगा? दैट विल बी द मूवेबल। एंड एसडीबी किसके लिए होगा हमारा? इमूवेबल के लिए हो जाएगा। एंड द पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कहां से काउंट करेंगे? फ्रॉम द प्रेजेंट ओनर, जिस डेट पे प्रेजेंट ओनर को आइटम्स मिले हैं उस डेट से हम काउंट कर लेंगे। याद है? क्लियर? बताना। अब एक पॉइंट लिखा है, द लिमिट ऑफ 50,000 इज ऑल्सो फॉर पर कैटेगरी, यहां पर कैटेगरी का यूज है।
यहां पे कैटेगरी का। अब ये बताना किसी ने मेरे को क्या किया, 40,000 रुपए कैश में दे दिया एज ए गिफ्ट, तो बताना एग्जम्प्ट है कि टैक्सेबल? नॉट टैक्सेबल, क्योंकि 50,000 से ज्यादा नहीं है। लेकिन साथ में उसने मेरे को 30,000 का ज्वेलरी दे दिया, टैक्सेबल की एग्जम्प्ट? नॉट टैक्सेबल। आपको क्या लिखा है, द लिमिट ऑफ 50,000 इज ऑल्सो फॉर पर कैटेगरी। तो कैटेगरी, अब यहां पे कैटेगरी के वैल्यू, कैटेगरी ए और ये है कैटेगरी आपका बी, कहां गए भाई, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और क्या हो जाएगा, कैटेगरी डी और कैटेगरी ई। समझ में आई चीजें? अगर किसी ने मेरे को प्रॉपर्टी दिया 40,000 का, नॉट टैक्सेबल। किसी से हमने प्रॉपर्टी खरीदा लो कंसीडरेशन और जो डिफरेंस आ रहा था 30,000 का, तो 40+30 ऐड करोगे? नहीं, नो टैक्सेबल। अगर मेरे को किसी ने उसी साल क्या दे दिया, एक ज्वेलरी दे दिया जो 35,000 का था, क्या एग्रीगेट करोगे? नो टैक्सेबल। किसी ने कैश दे दिया जो 49,000 रुपए था, नो टैक्सेबल, कोई टैक्सेबल नहीं, सारा का सारा क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। यहां तक क्लियर हुई चीज है? मतलब कैटेगरी वाइज आपको क्या मिलेगा, 50-50 का एग्जम्पशन, 50-50 की लिमिट लगाई गई है। आगे कह रहे हैं, इन केस ऑफ डिस्प्यूट इन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन रिफर सेक्शन 50 सी, डिस्कस इन चैप्टर कैपिटल गेन्स। यहां तक क्लियर हुई चीज है? यहां पे आ जाओ, सुनो एक पॉइंट और है जो कि हमने इसमें नहीं लिखा है, लिखना चाहिए शायद, हो सकता है नीचे दिया होगा। ठीक है, चलो यहां पे बताना, यहां तक सारी चीजें समझ में आई कि नहीं बताओ, चलो यहां तक क्लियर हुई चीजें, आ जाओ। ध्यान रखना कल क्लासेस नहीं है, कल मेरा एक एग्जाम है बच्चों लोग, एक एग्जाम है, ठीक है।